इस बीच आप देख रहे हैं जी मीडिया नतीजों के बाद 15% ऊपर करीब 21 रुपए के आसपास से ट्रेड करते हुए फिर से एक बार आपको डिस्क्लोजर दे दें। ये बीसी कंपनी का ये चैनल है। कोहिनूर फूड्स आप देख रहे हैं करीब 2.5% पर। रुचि सोया को देखिए, ये 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। सेबी ने इन्हें जब गड़बड़ी यहाँ पर पाने के बाद सेबी ने जो एक्शन लिया उसके चलते 15% नीचे रुचि सोया इस समय नुकसान में ट्रेड करते हुए। अमर राजा बैटरीज यहाँ पर भी जो रिजल्ट का डिसअपॉइंटमेंट है वो स्टॉक को प्ले आउट होते हुए 3.25% नीचे ये समय ट्रेड कर रहा है। और एंड लेट्स टेक अ लुक एट वीआरएल, ये फिर से एक बार दबाव के साथ ही खुला है जिसकी आशंका बनी हुई थी और अभी भी करीब 17% नीचे 261 के आसपास वीआरएल इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि आज अगर आप मार्केट को देखेंगे, निफ्टी में जो तेज़ी देखने को मिल रही है इसमें कंट्रीब्यूशन वाइज अगर आप देखें तो अच्छा कंट्रीब्यूशन अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक से देखने को मिला है। सो बीड इन्फोसिस ये करीब 9 पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, HDFC 8 पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, HDFC बैंक 5 पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, देन एक्सिस, ICICI, TCS, ITC। तो एक तरीके से कम ओपनिंग के लिए राकेश एक अच्छा पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट सारे ही हेवी वेट्स की तरफ से। डेफिनेटली मिहिर एक बहुत अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हैवी वेट्स की तरफ से। और दूसरा अगर आप देखें तो कई हैवी वेट जैसे कि HDFC बैंक्स ने तो अपना टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ख़राब नहीं करा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिहिर, 7815 के लेवल को निफ्टी ने तोड़ा है और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि जितना निफ्टी अभी बढ़ा हुआ है अनदर 60-70 पॉइंट्स की रैली क्लोजिंग तक मुमकिन है। एक पॉजिटिव रुझान है और जिस तरीके से आपने 2-3 बार मेंशन करा आज मॉर्निंग जो है गुड है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाय क्लोजिंग ये मॉर्निंग जो है वेरी वेरी गुड हो जाए। चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं हेमंत। मान लीजिए कि मैं निफ्टी फ्यूचर्स कल लॉन्ग करके गया था, मैंने आज सुबह 7830 पर, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बुक कर रहा हूँ, मैंने सौदा काट लिया अपना, लेकिन मैं राइड करना चाहता हूँ अभी भी निफ्टी पे। हेमंत अभी क्या करना चाहिए? 7850 की कॉल खरीदूँ? आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये जो 7800 की कॉल कारोबार कर रही है इसका प्रीमियम आपकी स्क्रीन पर है 59 रुपये के आसपास। 7900 की कॉल भी दिखा दीजिए अगर 7900 की। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 7800, 7900, ये आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 12-13 रुपये की है। और पुट भी दिखा दीजिए जरा एक बार, 7700 की पुट और 7800 की पुट, ये दोनों क्या कर रही हैं? मेरे पास विकल्प है 7700 की पुट बेचने का, 7800 की पुट बेचने का। हेमंत चार ऑप्शन है आपके पास, क्या करेंगे आप स्टॉप लॉस के साथ? देखिए मैं अगर फ्यूचर ऑलरेडी बुक कर चुका हूं या फिर मैं फ्रेश भी लेना चाहता हूं, मैं पुट नहीं बेचूंगा वीरेंद्र। okay. मैं प्रेफर करूंगा बाइंग अ 7850 कॉल। उसके दो रीजन है कि अगर ये बाजार यहां सस्टेन करता है तो जैसे राकेश जी ने भी बोला तो आज ही इंट्राडे 50 से 60 पॉइंट ऊपर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो 7850 कॉल मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट जो इंट्राडे का ही होगा। और अगर बाय चांस ये सस्टेन नहीं भी करता है तो मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा, क्योंकि अगर मैं 78 का पुट बेचता हूं और एक घंटे बाद ये बाजार नीचे चल पड़ता है तो डेफिनेटली फिर वो 78 पे मुझे कवर करना पड़ सकता है या थोड़ा लॉस हायर साइड पे बुक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू बाय 7850 कॉल। ओके हेमंत, एक और चीज आई थिंक हमारे व्यूअर्स को जरा आप थोड़ा सा इंडिसेस पे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मान लीजिए निफ्टी बैंक भी हमने लॉन्ग किया था और अब मन कर रहा है, जरा निफ्टी बैंक दिखाइए किस डायरेक्टरी में आ गया है। इंडिसेस पे एक मैंडेट डालते हैं, निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे ऑलमोस्ट इस वक्त 16690। हेमंत यहां भी मेरा टारगेट अचीव हो गया ऑलमोस्ट, मैं ये 660 से लेकर 700 की ट्रेजेक्ट्री लेके चल रहा था। यहाँ पे हेमंत आपके स्क्रीन पे जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा रोल ओवर इस बार लैकलस्टर है हेमंत निफ्टी बैंक पर। एक बार मैं यहाँ बुक कर चुका हूँ, अब कैसे अप्रोच करूँ निफ्टी बैंक को हेमंत? देखिए वीरेंद्र, अगेन मेरे हिसाब से आपको अभी जो रेट चल रहा है 16690 आपने जैसे बोला, मुझे ऐसे लगता है कि अगर बाजार सस्टेन करेगा तो आज ही शायद 16850 भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो अगर आपको इसी रैली में पार्टिसिपेट करना है तो आप 16800 का कॉल लीजिए, क्योंकि वो काफी सस्ता मिल रहा होगा। और अगर वो नहीं सस्टेन कर पाता है, नीचे चला जाएगा तो लॉस लिमिटेड रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये टाइम पुट्स बेचने का नहीं है, क्योंकि पुट्स में प्रीमियम कम मिलेगा और लॉस ज्यादा हो सकता है वीरेंद्र। बेटर है कि आप कॉल से पार्टिसिपेट करिए और प्रीमियम जो है वही लॉस रहेगा और बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। बिल्कुल, चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि कैश में आउट परफॉर्मेंस कहां पर है। आज जी मीडिया सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड होने वाला काउंटर है इस समय, करीब 13% ऊपर ये ट्रेड करते हुए। और एक काउंटर है लिंक पेन, ये करीब 12% ऊपर इस समय है। सिका लॉजिस्टिक्स इस काउंटर पर इनफैक्ट
वॉल्यूम ठीक ठाक है लेकिन थोड़ी बेहतर हो सकती थी तेजी। आई थिंक ये फ्री कंट्री है यहाँ पर सिकल, इनफैक्ट नुकसान में इसका रेट अपडेट नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन टेक महिंद्रा देखिए काफी वॉल्यूम्स के साथ ये करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन राकेश अब ये तो चलिए ये तो वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेजी आ गई, लेकिन खुलने के बाद बाजार और जिस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, आपने कोई ऐसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं जहां पर आज इंट्राडे मूव आ सकता है, अभी भी एंट्री की गुंजाइश है? बिल्कुल मीर, अभी तक एक स्टॉक को मैं स्पॉट कर पाया हूं, वो है एक्सिस बैंक। इसके अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई है और ओपनिंग के साथ 495 का एक शॉर्ट टर्म लेवल ट्रिगर हुआ है। मुझे लगता है इंट्राडे में एक्सिस बैंक के अंदर ऊपर में 505-506 के स्तर मुमकिन है। एक्सिस बैंक मुझे इंट्राडे के नजरिए से, एक्सपायरी के नजरिए से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है। इस बीच देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी ने शतक लगा ही दिया था, बस नर्वस 90s में खड़ा हुआ था निफ्टी, थोड़ा सा पीछे आ गया 88 अंकों पर इस वक्त करीब 7837 पे है। हेमंत, थोड़ा सा मैंने आपसे बात करी थी कि वो स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट कवरिंग के जरिए तेजी आ सकती है, लेकिन हेमंत अब क्योंकि देखिए सीरीज क्लोज होने वाली है, दो दिन बाद नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ के पॉइंट्स क्या क्या लगते हैं? मान लीजिए कि मैं जून में थोड़ा सा पैसा झोंकना चाहता हूँ, एक दो बड़े स्टॉक्स अच्छे मार्जिन के साथ मैं खरीदना चाहता हूँ, कैपिटलाइज करना चाहता हूँ पूरे जून में, आपको क्या लगता है मैं दो तीन स्टॉक्स जहाँ पर कोई मान लीजिए HNI क्लाइंट हो या फिर कोई रिटेल क्लाइंट हो पूरा मैंडेट देकर ट्रेड करना चाहता है, वो एक दो स्टॉक्स कौन से होंगे हेमंत? देखिए मैं पहले बोलना चाहूंगा कि जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी रोल ओवर्स पिकअप कर चुके हैं या जहां पे कॉस्ट पॉजिटिव है वहां हमें देखना चाहिए, उसमें NBFCs एक ऐसा जोन है या एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, खासकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ऑलरेडी रोल ओवर्स काफी अच्छे पिकअप हो गए हैं, अगर आप 1120 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है, मेरे हिसाब से 1225 तक ये स्टॉक ऊपर की साइड जा सकता है, तो उस एक SRT पे हम नजर रख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है हेवल्स, यहाँ पे भी ऑलरेडी रोल ओवर्स जो है अच्छे साइड पे पिकअप हो रहे हैं, अगर हम स्टॉप लॉस 349-350 का रखें तो टारगेट 370 का लग रहा है। तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मुझे काफी रोल ओवर्स अच्छे ऑलरेडी लग रहे हैं और मेरे ख्याल ये रैली यहाँ से और भी ज्यादा ऊपर आ सकती है। जुबिलेंट फूड्स को एक बार देखते हैं, ये करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ ही डिश टीवी, ये फिर से एक बार SL समूह की कंपनी, यहाँ पर करीब 2% का मूव है। एक्साइड करीब 2% ऊपर है, साथ ही नेटको, DLF, टोरेंट फार्मा, SKS माइक्रो फाइनेंस और रिलायंस कैपिटल, ये कुछ इन काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये टोरेंट फार्मा राकेश कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है मीर, अगर आप देखें तो कल के सत्र में काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। कल पहले एक नीचे ओपनिंग, फिर बाद में भी एक बड़ी अच्छी वोलेटिलिटी लेटर हाफ में भी देखने को मिली है। निचले स्तरों पर एज ऑफ नाउ सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ये है कि निचले स्तरों पर 1330-1335 एक अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक एक अच्छी रैली दिखा रहा है, और एक बार स्टॉक 1400 के लेवल तोड़ेगा तब एक टेक्निकली एक बाइंग मोड पे आएगा, एल्स स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में स्टक है। चलिए बात करते हैं SBI को लेकर, SBI परसों आना है, 171.80 पे है। SBI पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त लेवल पे स्टॉक आ चुका है। कल का जो लो था वो था ऑलमोस्ट इसका 166, आपके स्क्रीन पे 172। हेमंत चलिए थोड़ा ट्रेड करते हैं इसको नेक्स्ट सीरीज में, मैं इस सीरीज में हाथ लगाना चाहता हूँ, मैं इसमें आउटलुक फ्रेम करना चाहता हूँ, और जो भी होगा हेमंत इसमें ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, वो बड़ा वाइल्ड होगा। या तो स्टॉक चला जाएगा 150, 152, 155, या स्टॉक अपने लॉस्ट लेवल 190 को या फिर 205 को, 202 को फिर रिगेन कर लेगा। ये नंबर्स डेफिनेटली ऐसे होने जा रहे हैं। आप मई में क्या करके चलेंगे? मैं ऑलमोस्ट 53% रोल ओवर स्टॉक स्ट्राइक कर चुका है। एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये रोल ओवर किस साइड पे हो रहे हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए जून में, और याद रखिए जून की सीरीज के पहले दिन इसका आंकड़ा आएगा, शुक्रवार को मेरे ख्याल से आंकड़े हैं इसके, शुक्रवार को जून की सीरीज के पहले दिन। देखिए वीरेंद्र मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ रोल ओवर्स के बेसिस पे देखें स्टॉक वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की राय बहुत क्लियर है कि बहुत अच्छा रिजल्ट ये नहीं दे पाएगा, और वो मैं राय इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि एक तो रोल ओवर्स का शॉर्ट्स पोजीशन ज्यादा लग रही है रोल ओवर के बेसिस पे, दूसरा अगर आप 180 से 200 पूरा देखें कॉल राइटर से भर गया है पोजीशन, तो इस तरह से किसी स्टॉक में इतना एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो तो बहुत क्लैरिटी है कि लोगों को लग रहा है
कि ये स्टॉक यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ा अपसाइड नहीं देख पाएगा। तो अगर आप यू वॉन्ट टू गो विद द हर्ड तो आप 160 का पुट लेके रख सकते हैं, क्योंकि अगर वाकई में स्टॉक नीचे गया तो 160 की पुट में बहुत ज़्यादा एकदम से बाइंग आएगी। बट मेरा मानना हमेशा ऐसा रहा है कि जब इतनी सारी पोजीशन शॉर्ट साइड पे खड़ी हो तो कॉन्टेरियन कॉल लेना चाहिए। तो बेटर है कि आप 190 का कॉल लीजिए, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर स्टॉक ने ज़रा सा भी सरप्राइज कर दिया तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, विच कैन टेक द स्टॉक टू 185। हालांकि डेटा बहुत वीक है, लेकिन अगर आप देखें तो सब ऐसा लग रहा है कि हर आदमी शॉर्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 190 कॉल लेने में हर्ज नहीं है।